या कोई पार्लियामेंटेरियन नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर सीधे सीधे कनाडा के इस किस्म के एलिगेशंस लगा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या घबराहट किया है कनाडा में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कह दूं कि ये पहली बार नहीं हुआ है कि कनाडा के तरफ से खालिस्तानी आतंकवादियों को जो है शह मिल रही है। आपको आरजू जी याद होगा, क्योंकि आप भी हिस्ट्री जानती हैं, आप पत्रकारिता में कई समय से हैं, और आपको पता है कि 85 में जब कनिष्क की बॉम्बिंग हुई, जो एयर इंडिया की फ्लाइट थी जो कनाडा जा रही थी, और जब वो जो है एकदम उड़ गया प्लेन, तो उसमें 280 कैनेडियंस की जान गई, और इसके अलावा हिंदुस्तानी लोग भी थे, अमेरिकन भी थे, बाकी नेशनैलिटीज भी थी। लेकिन इतने साल बीतने पर भी कनाडा जो है ये रियलाइज नहीं कर पाया ये एक्सट्रीमिज्म जो उनके बैकयार्ड में बार बार ग्रो कर रहा है उसके खिलाफ उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब इंदिरा गांधी भी प्राइम मिनिस्टर थी या बाकी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी बार बार कनाडा के साथ डोजियर शेयर किए, एविडेंसेस दी कि आप जो बब्बर खालसा है या बाकी आतंकवादी संगठन है, इनको शह मत दीजिए, इनको आप पॉलिटिकल अजाइलम मत दीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए तो पहले प्रॉब्लम कर चुके हैं, लेकिन हम तो इनसे निपट लेंगे, लेकिन ये आपके लिए तबाही मचा लेंगे। और वही तबाही आजकल कनाडा की सड़कों पर दिख रही है। तो मुझे लगता है जस्टिन ट्रूडो का जो ये स्टेटमेंट है ये बहुत ही गलत है, ये एक एस्केलेशन है डिप्लोमेटिक तौर पर, क्योंकि इससे पहले अगर इनके पास कोई एविडेंस होती तो इनको हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के सामने, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के सामने, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के सामने ये रखना चाहिए था एट डिफरेंट लेवल्स। इंडिया और कनाडा के बहुत मजबूत रिश्ते रहे हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट रहे हैं, बट उसके बावजूद जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में, पार्लियामेंट में सामने बोला कि जो एजेंट्स ऑफ इंडिया हैं उनके खिलाफ एलिगेशंस हैं कि उन्होंने ये किया है, हरदीप सिंह निज्जर जो है खालिस्तानी आतंकवादी उसको मारा है। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं फिर से आरजू जी कि हरदीप सिंह निज्जर कोई सेंट नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, हरदीप सिंह निज्जर गुरु नानक नहीं है जो उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो एक्टिविस्ट था, वो बिल्कुल खून खराबी में विश्वास नहीं रखता था, ये बिल्कुल गलत है। इंडिया के पास कई ऐसे सबूत हैं, हरदीप सिंह निज्जर के वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, जिसमें वो AK-47 पाकिस्तान में तो दिख ही रहा है बहुत सारे बाकी खालिस्तानियों के साथ, वो ब्रिटिश कोलंबिया में भी AK-47 लेके घूम रहा है और आर्म्स ट्रेनिंग दे रहा है लोगों को ओपनली। और पिछले 6 से 7 साल से इंडिया बार बार उनको कहता रहा कैनेडियंस को कि इस पे एक्शन लो, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा, और कोई उनको कोई मजबूरी भी नहीं है कोई एक्शन लेने की, क्योंकि अब सिखों की पॉपुलेशन वहां इतनी ज्यादा हो गई है और उनको इतना रेडिकलाइज किया गया है कि जस्टिन ट्रूडो के खुद हाथ बंधे हुए हैं, जो NDP जगमीत सिंह उनके पार्टनर हैं वो उनको कुछ करने नहीं दे रहे। और जैसा आपको पता होगा क्योंकि आप पाकिस्तान में हैं, हिलरी क्लिंटन ने आज से 10 साल से पहले कहा था कि इफ यू नर्चर एंड इफ यू डोंट टेक एनी एक्शन ऑन स्नेक्स ऑन योर बैकयार्ड then the same snakes will bite you. और यही कनाडा के साथ होगा। हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान को तो बहुत कोसते हैं, तालिबान को बहुत कोसते हैं, लेकिन जो जो ऐसे देश जो बाहर दिखावा करती है कि हम तो डेमोक्रेसी में और इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं, लेकिन पीछे आतंकवादियों को शह भी देते हैं और उनको इस्तेमाल भी करते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी की तरह, जैसे अमरीका ने भी किया मुजाहिदीन को अफगानिस्तान में, तो वैसे ही कनाडा खालिस्तानियों को एज अ फॉरेन पॉलिसी टूल इस्तेमाल कर रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ, लेकिन ये ज्यादा दिन चलने नहीं वाला। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बल्कि यही मैं आपसे बीच में पूछने भी वाली थी कि कई बार हमने देखा कि जिस तरह के स्टेटमेंट्स आई पन्नू की तरफ से, वो एक और जो वहाँ पे मौजूद है खालिस्तानी लीडर या खालिस्तान को जो सपोर्ट करता है, उसने ये तो कहा कि जितने हिंदू कम्युनिटी है वो सारे यहाँ से निकल जाए कनाडा से, इस किस्म की बातें की जिसपे कि कोई भी आम अगर गवर्नमेंट होगी तो वो जाके उसको अरेस्ट कर लेगी, लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं हुआ। और अगर मैं किसी काफी टाइम से मैं अगर किसी अपने इंडियन फ्रेंड से या किसी से बात करूं और वो कहते हैं जी कोई बड़ी बात नहीं है, कनाडा में हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं हो रहा, होता रहे, तो क्या ऐसा नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट ने और आप लोगों ने भी इस चीज को बहुत हल्के में लिया कि ठीक है कनाडा में अगर कोई इस किस्म की एक्टिविटीज हो रही है खालिस्तान को लेके, चाहे पाकिस्तान की तरफ से तो खैर हमेशा सपोर्ट रही, मैं
कभी भी इनकार नहीं करूंगी, यहाँ से अभी भी बड़ी वाह वाह हो रही है टीवी चैनल्स पे, लेकिन ये है कि आप लोगों ने क्यों इस चीज को बहुत ज्यादा लाइटली लिया कि ठीक है हो रहा है तो होने दो, उसको पहले ही स्ट्रिक्टली अगर किया होता या जो आजकल उनके घर और बाकी चीजें सील की जा रही है वो पहले कर दिया होता तो आपके ख्याल से कुछ बेहतर नहीं होता? देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने आरजू जी, और इसका मैं स्पष्ट सच्चाई से और स्टैटिस्टिक्स के साथ आंसर दूंगा। पिछले 10 साल में इंडिया ने 26 एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट भेजी है कनाडा को, एक भी एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट कैनेडियन की सिक्योरिटी एजेंसीज ने या प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने उसमें रजामंदी नहीं की है। 26 ऐसे आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं और गैंगस्टर्स हैं जो मर्डर में, जो वायलेंस में, जो कम्यूनल रायट्स में और थ्रेट करने में, किडनैपिंग में, बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व है पंजाब में और बाकी जगहों में, लेकिन उनके खिलाफ कनाडा ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना उनको अरेस्ट किया, ना उनको डिटेन किया, ना उनके पीआर या सिटीजनशिप को एंड किया और ना ही उनका एक्सट्रेडिशन हुआ, तो कहां से एक्शन होगा? और ये जो आपने गुरबतवंत सिंह पन्नू की बात की, ये इसके पास ड्यूल सिटीजनशिप है जहां तक मुझे पता है, ये कनाडा का भी सिटीजन है, ये अमेरिका का भी सिटीजन है, और अगर कनाडा जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो पार्लियामेंट में आते हैं और कहते हैं जी हम इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं, हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, वो जो यूएनजीए के लिए निकलते हैं वहां भी बोलते हैं जी हम इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं, अगर आप करते हैं इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ में बिलीव तो एक्सट्रेडिशन क्यों नहीं कर रहे आप? दिस इज अ टेस्ट केस फॉर कनाडा कि आप जस्टिन ट्रूडो, गुरबतवंत सिंह पन्नू को इंडिया के हवाले कीजिए, इंडिया ने तो आपको सारे सबूत दिए हैं। पिछले 5 से 10 साल से पन्नू हर हफ्ते एक वीडियो बना रहा है, हर हफ्ते जो है धमकी दे रहा है, उसने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ धमकी दी, उसने एनएसए अजीत डोवाल के खिलाफ धमकी दी, उसने फॉरेन मिनिस्टर जो भारत के हैं जयशंकर उनके खिलाफ दी, और अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ दी, उसके बाद उसने कनाडा में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में और यूके में पोस्टर्स छापे इंडियन हाई कमीशन और इंडियन एम्बेसडर्स के खिलाफ और जो काउंसिल जनरल हैं उनके खिलाफ, और बोला कि किल इंडिया, इसका सीधा मतलब है कि ये टारगेट है इंडियन एम्बेसडर और इंडियन डिप्लोमैट्स। और यही नहीं, मेरी पर्सनल स्टोरी भी है आरजू जी, क्योंकि मैं खालिस्तान पे, काउंटर टेररिज्म पे, जो कश्मीर में आतंकवाद है या पाकिस्तान से जो होता है उस पर बार बार रिपोर्ट करता आ रहा हूँ पिछले 15 साल से। तो कई सालों से पन्नू जो है मुझे टैग करता रहता था ट्विटर पे, मैं उसको जवाब नहीं देता था, मैं ब्लॉक कर देता था, लेकिन उसको जब फ्रस्ट्रेशन हुई होगी और मैं जब एक्सपोज किया खालिस्तान की बहुत सारी ऐसी स्टोरीज कि भाई आपको पाकिस्तान आईएसआई से पैसा मिलता है, कनाडा का जो डीप स्टेट है आपको सपोर्ट करता आया है, कनाडा में ओवरली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आपको सपोर्ट करती हैं, तो मई 2020 में इसने मेरे दो ऐसे संपर्क वाले जो एडिटर्स हैं, एजेंसी फ्रांसे प्रेस जो है AFP, उसके जो साउथ एशिया के यहाँ के न्यू दिल्ली के चीफ फोटोग्राफर थे उनको फोन किया। उसके बाद उन्होंने मेरे जो पुराने बॉस थे BTVI में, एक बिजनेस चैनल है इंडिया में, उनको, एक बहुत ही सीनियर एडिटर है, इन दोनों को फोन किया और बोला कि इनको अपने आदित्य राज कौल को समझा दो, अगर आदित्य राज कौल अपना जो है ही डजंट बेंड हिज वेज, अगर अपने तौर तरीके नहीं बदलता, अपनी रिपोर्टिंग का स्टाइल नहीं बदलता, तो हम उसको मजा चखाएंगे, वी विल टीच हिम अ लेसन। ये गुरबतवंत सिंह पन्नू ने फोन पे उन दोनों को बताया। इसके बाद दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में, NIA में बहुत सारी ऐसी शिकायतें गई उनकी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, और उस समय से मुझे सिक्योरिटी मिल रही है यहाँ भारत में ये थ्रेट्स की वजह से। तो जो भी रिपोर्टर हो, मीडिया का जर्नलिस्ट हो, एक्टिविस्ट हो, जो डेमोक्रेसी के बारे में बिलीव करता है, जो आतंकवादियों के खिलाफ लिखता है, जो ऐसे वायलेंस के खिलाफ लिखता है, उनके लिए तो गुरबतवंत सिंह पन्नू धमकियां इशू करता है, और मैं अकेला नहीं हूं, कई ऐसे लोग हैं जिनको ऐसी धमकियां मिली हैं, उनको टारगेट भी हुआ है, और हरदीप सिंह निज्जर और गुरबतवंत सिंह पन्नू बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर्स के कॉन्टैक्ट में हैं और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के उनको जो है पैसे देते हैं और कहते हैं कि अगर आपने ये कर दिया तो आपको इतना पैसा मिलेगा। पंजाब में उन्होंने बहुत सारे ऐसे हिंदू हों, सिख हों, उनको मारने की कोशिश की है, कई बार सक्सेसफुल भी हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कनाडा को एक इंट्रोस्पेक्शन का समय है, ये कनाडा को एक आत्मचिंतन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाई वो डेमोक्रेसी के साथ खड़े हैं, क्या वो इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं, या फिर वो यही तकियानूसी इस्तेमाल जो चीजें कई सालों से होती रही हैं आतंकवाद को शह देते रहेंगे।
बहुत से लोगों का ये भी कहना है, बल्कि बहुत से नहीं लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस किस्म के हादसे या इस किस्म की चीज़ें के मजीद जो खालिस्तान मूवमेंट के लोग हैं या जो इस किस्म की हरकतें करते हैं उनको टारगेट किया जा सकता है कनाडा में। आपको लगता है कैसा है, क्योंकि एक दो लोगों ने आपके यहाँ से लिखा, ट्विटर पर भी उनकी वीडियो लगाई गई और हमारे यहाँ के कुछ मीडिया पर्सन जो थे उन्होंने कहा देखें जी ये तो धमकी दे रहे हैं, ये तो खुली धमकी है, जबकि वो खैर अपनी वीडियो में बात कर रहे थे कि इस किस्म के हादसे हो सकते हैं। तो आपको लगता है कि मजीद कुछ लोग कनाडा में टारगेट हो सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं ऑन अ लाइटर नोट आपको कह दूं कि पाकिस्तान में अगर किसी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल खत्म हो जाए और डीजल खत्म हो जाए तो वो कहेंगे ये राह की साजिश है। तो हर चीज के लिए वो कहते हैं कि ये जी राह की साजिश है। मुझे लगता है इससे राह का जो है पूरा अभिमान बढ़ना चाहिए, उनका नाम रसूख बनना चाहिए, क्योंकि दुनिया में तो ज्यादातर CIA और मोसाद की बातें होती हैं, MI5 की बातें होती हैं, और अगर रॉ भी इतना बड़ा स्टेचर हो गया तो बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। लेकिन जितना मैं जानता हूँ, मैं काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिक्योरिटी अफेयर्स, कॉन्फ्लिक्ट, फॉरेन अफेयर्स बहुत क्लोजली कवर करता हूँ, और जितने मेरे सीनियर कॉन्टैक्ट्स हैं गवर्नमेंट में, इंटेलिजेंस एजेंसीज में, सिक्योरिटी अपैरेटस में, उन्होंने पूरी तरीके से डिनाई किया है, बोला है कि ये एक प्रोपागेंडा के तहत और ये एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शंस जो हैं जस्टिन ट्रूडो उसके तहत ये जो है वो इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने ना तो इंडिया के साथ कोई एविडेंस शेयर की है, ना उनके पास कोई एविडेंस अभी तक है, ये सिर्फ बताया जा रहा है। और अगर आप खासकर नोट करेंगे जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा, जस्टिन ट्रूडो ने अभी तक किसी भी स्टेटमेंट में ये नहीं कहा कि हमारे पास एविडेंस है। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस हैं जो इंडिया के साथ शेयर की गई हैं, एलिगेशंस डू नॉट प्रूव एनीथिंग। और ब्रिटिश कोलंबिया के जो प्रीमियर हैं वो वीडियो में खुद सामने आए और उन्होंने बोला कि जस्टिन ट्रूडो के साथ मेरी मुलाकात हुई और मेरे साथ उन्होंने ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन शेयर की जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, पब्लिक को गूगल सर्च पे अवेलेबल है। और वो लोग कौन है, ये यही खालिस्तानी है, ये खालिस्तानी कहते रहे हैं पिछले जून से कि भाई इंडिया इसमें इन्वॉल्व है। भाई इंडिया अगर इन्वॉल्व है तो आप सबूत लाइए, आपके पास CCTV फुटेज होगी, आपके पास कोई टेलीफोन कॉन्वर्सेशन होगी, आपके पास कुछ और होगा, और अगर ऐसा कुछ होगा तो इंडिया को दीजिए। और इंडिया पूरा रूल बेस्ड ऑर्डर पे बिलीव करता है और लॉ के तहत एक्ट करेगा, लेकिन ये प्रोपेगेंडा है और मुझे नहीं लगता कि अभी तक ऐसा कोई एविडेंस ना पहले ना अब अभी तक शेयर किया गया है। और दूसरी बात मैं स्पष्ट कर दूं, ये जो वेस्टर्न हिपोक्रेसी है ना, इसके बारे में बहुत जरूरी बात करनी है मुझे, और ये मुझे लगता है पाकिस्तान में भी लोग समझेंगे क्योंकि वो भी इसके खिलाफ बोलते रहे। और ये है कि भाई आप पाकिस्तान के अंदर घुसते हैं और ओसामा बिन लादेन को मारते हैं अबोटाबाद में और कहते हैं ये तो ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेररिज्म था, हमको करना पड़ा, हमारे हेलीकॉप्टर गए वहां पर, पूरा सीक्रेट ऑपरेशन था और दुनिया में भाई तालियां बजती हैं, वाह वाह होती है, भाई क्या बात है, ओबामा ने क्या कर दिखाया और बहुत जबरदस्त जो है बदला ले लिया 9/11 का और ये सब। उसके बाद हम देखते हैं ईरान में सोलेमनी को जो है ड्रोन स्ट्राइक होती है और उनको मार दिया जाता है, पूरा एक डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ हो जाता है, वो तो अमरीका और ईरान के बीच में है ही। हम देखते हैं इसराइल भी बहुत सारे ऐसे हमले करता आया है, ऐसे दुनिया के बहुत देश हैं। चलो भारत का भी नाम मैं ले लेता हूँ, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक बोला, बालाकोट पे भी एयर स्ट्राइक किया, हमला किया, तो वो तो सब कुछ अमेरिका के लिए, कनाडा के लिए या वेस्ट के लिए बिल्कुल पाक साफ है और वो उनको लगता है कि भाई हम सॉवरेनिटी किसी की भी उल्लंघन कर सकते हैं, हम टेरिटोरियल इंटेग्रिटी किसी की भी उल्लंघन कर सकते हैं, हमको कोई सवाल नहीं पूछ सकता। लेकिन अगर किसी और ने सवाल पूछे तो भाई वो गुनहगार हो गया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया ने हरदीप सिंह निज्जर को मारा, लेकिन दो मिनट के लिए अगर इंडिया ने अपना, क्योंकि इंडिया को राइट है अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को डिफेंड करने का, कोई अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई धमकी दे रहा है मारने की, क्या इंडिया चुप बैठा रहेगा? इंडिया सालों से डॉजियर्स देता रहा है, एविडेंस देता रहा है और कनाडा एक्ट नहीं कर रहा। और इतना ही नहीं, आप देखिए इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है अभी एक एकजुट है और सब एक साथ कनाडा के खिलाफ बोल रहे हैं। और दूसरी बात ये, आपने कुछ ही हफ्ते पहले देखा आरजू जी कि इंदिरा गांधी जो हमारी प्रधानमंत्री थी उनका एक जो है टैब्लू, एक एफजी वहां पर बनाया गया और दिखाया गया कि दो सिख ऐसे गोली चला रहे हैं उनके ऊपर और इसको ग्लोरीफाई किया गया। आप देखिए कैनेडियन गवर्नमेंट और कैनेडियन सिक्योरिटी सिस्टम के सामने उनकी नाक के नीचे पूरी तरीके से ग्लोरीफाई किया गया हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को, कैसे मारा गया
और ये ऐसा सच लगा कि ये तो फिर से धमकी दे रहे हैं कि हमने पहले भी मारा है, आगे भी मारेंगे आपको। और कनाडा ने फिर से कुछ नहीं किया, और अभी बस एक उन्होंने थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट के लिए, एक जो उनकी पब्लिक सेफ्टी और इमरजेंसी मिनिस्ट्री है, उन्होंने गुरपतवंत सिंह पन्नू के वीडियो पर एक स्टेटमेंट इशू किया है। वो बोला जी नहीं, जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो पूरा कनाडा में भागीदार हैं, हमारे साथ रहते हैं, हम बड़ी टॉलरेंट सोसाइटी है, हम कोई इस चीज में बिलीव नहीं करते जो वीडियो में बताया गया। अगर आप नहीं बिलीव करते जो वीडियो में कहा गया, और अगर आप पूरी तरीके से उस वीडियो के खिलाफ हैं, आपने क्यों एक्शन नहीं लिया? क्या एक पुलिस ने कोई सुओ मोटो एफआईआर की है? क्या गुरपतवंत सिंह पन्नू को अरेस्ट किया है? क्या सिक्स फॉर जस्टिस के खिलाफ कोई एक्शन लिया है? एक्सट्रेडिशन तो मैं बोल ही नहीं रहा। तो कनाडा स्टेटमेंट्स डू नॉट मैच देयर एक्शन, जो उनको एक्शन लेना चाहिए आतंकवादियों के खिलाफ वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और जस्टिन ट्रूडो बार बार कह रहे हैं जी मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन अभी तक सिर्फ एलिगेशंस हैं। और हिंदुस्तान को पूरी तरीके से पता है क्योंकि हमारे पास नोट्स है जी, हमने कब क्या डोजियर आपको दिया है और आपने कुछ नहीं किया, आप बैठे रहे वहां पर। और ये जो गैंग्स ऑफ पंजाब की बात होती है ना कि ड्रग्स बहुत पंजाब में, ड्रग्स ट्रैफिकिंग होती है, वेपन स्मगलिंग होती है, ड्रोन्स के थ्रू आता है, लोगों को मारा जाता है, ड्रग एडिक्शन, नशे बहुत ज्यादा होते हैं, ये कनाडा में है। अब ये कनाडा में हो रहा है, कनाडा की सड़कें देखिए आप सरे देखिए, ब्रिटिश कोलंबिया देखिए, आप वैंकूवर देखिए, ब्रैम्पटन देखिए, वहां पर ये तबाही मचने वाली है। इट इज वेटिंग टू हैपन, अगर अभी नहीं तो 5 साल 10 साल के बाद ये होगा। क्योंकि आपने देखा सिद्धू मूसेवाला को मारा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली? कनाडा में बैठे गोल्डी ब्रार और बाकी जो वहां पर गैंगस्टर है। अभी एक और पंजाब में कांग्रेस के पॉलिटिशियन है, जिस दिन जस्टिन ट्रूडो ने स्टेटमेंट दिया उसके अगले दिन उसको मारा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे किसने ली? कनाडा में बैठे गैंगस्टर्स ने ली। और ये वही कनाडा है जो हरदीप सिंह निज्जर पे तो पूरा उन्होंने एक हवा क्रिएट कर लिया, लेकिन एक और सिख है बेचारे रिपुर्दमन सिंह मलिक, उनको भी कुछ महीने पहले मारा ऐसे गुरुद्वारे के बाहर, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला क्योंकि उनको लगा यार ये तो हिंदुस्तान की बात करता है, ये पहले खालिस्तानी था, उसके बाद ये थोड़ा सा बैलेंस हो गया तो हम इस पे कुछ नहीं कहेंगे। तो ये तो हिपोक्रेसी जो है कनाडा की पूरी तरीके से सामने आ रही है। लेकिन वहां पर मैं आपसे लास्ट में ही पूछना चाहूंगी कि कनाडा में जो लोग रह रहे हैं, जो सिख कम्युनिटी के नहीं है और हिंदू हैं या फिर किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हैं, स्टूडेंट्स बहुत जाते हैं, आपके ख्याल से वो कितने सेफ महसूस करेंगे अब अपने आप को कनाडा में? देखिए सेफ तो पहले भी महसूस नहीं कर रहे थे, क्योंकि पहले भी आप देखिए हिंदू जो मंदिर है उनपे अटैक हुआ, उनपे ग्रफिटी लिखी गई, ऐसे वीडियोज है बहुत सारे जिसमें खालिस्तानी है, तालिबान है और बाकी लोग हैं जो हिंदू कम्युनिटी के लीडर्स को अटैक कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं। मैंने खुद का एग्जाम्पल दिया कि कैसे जो है थ्रेट्स मुझे भी दी गई, हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनको दी गई। तो ऐसा नहीं है कि पहले कुछ एवरीथिंग वाज हंकी डोरी, पहले भी ऐसे थ्रेट्स आते रहे, पहले भी ये हुआ, और ये कुछ पिछले एक हफ्ते की बात नहीं है। लेकिन इट इज पैरामाउंट नाउ अपॉन जस्टिन ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो की सरकार को इंश्योर करना पड़ेगा to secure the lives of all Indian origin people. They may be Canadian citizens, they may be holding permanent residency there, they may be coming there only for a few months to study or for work. But ab ye Justin Trudeau ke upar hai, ek bhi aisa attack hota hai, ek bhi aisa hamla hota hai, ek bhi aisi dhamki aati hai, to Justin Trudeau puri tarike se responsible honge. Aur jo hamari jo agencies hai na, NIA ho, National Investigative Agency, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, या पंजाब पुलिस हो या इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, इन्होंने खालिस्तान पे पूरा कच्चा छिटा रखा हुआ अपने पास, और वो यूएस के साथ भी शेयर किया है, कनाडा के साथ भी शेयर किया है। लेकिन ये ऐसा दोगलापन है, हिपोक्रेसी है, कि वो लोग बिल्कुल भी इस पर जो है कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। हम पूरी तरीके से एक जस्ट डेमोक्रेटिक मैनर में चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन हो, और किसी भी ऐसा फ्रेंडली मुल्क जो है उसमें खालिस्तानी हो या कोई भी किसी प्रकार का आतंकवादी हो, उसको कोई भी जो है शह नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि हमारा तो जैसे मैंने आपको बोला कि 85 में कनिष्क के बाद इंडिया का इतना प्रोग्रेस हुआ है, इंडिया आगे भी चलता रहेगा, इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने सीखा है डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, और हम आगे बढ़ते रहे हैं, हमारे इंडियंस बहुत सक्सेसफुल हैं। लेकिन ये कनाडा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि लाखों की तादाद में इंडियन स्टूडेंट्स हैं वहां पे। और अगर इंडियन स्टूडेंट्स अब आगे डिसाइड करें कि हम भी कनाडा में नहीं पढ़ेंगे, हम अमेरिका जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे,
यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान जाएंगे तो ये कनाडा के लिए प्रॉब्लम होगी, उनका इकोनॉमिक जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो पूरा कोलैप्स हो जाएगा। तो मुझे पूरी तरीके से लगता है कि ये एक डिप्लोमेटिक डिजास्टर जो है कनाडा के लिए ज्यादा है। हालांकि हम पूरी तरीके से तैयार हैं कि वेस्टर्न प्रेस जो हमें अटैक करेगा, डीप स्टेट जो है स्पॉन्सर्ड प्लांटेड स्टोरीज जो है ऑलरेडी लिखनी शुरू हो गई है, लेकिन इंडिया ने आर्टिकल 370 किया तब नहीं किसी का सुना। इंडिया ने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कदम उठाए, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, दिल्ली में हो। G20 का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जी हमने कंसेंसस डेवलप किया G20 पे, जिसमें पूरा वेस्टर्न प्रेस लिख रहा था हो ही नहीं सकता कंसेंसस, और मोदी सामने आ गए और बोला जी कंसेंसस हो गया है, और वो भी 37 पेज डॉक्यूमेंट। सो आई थिंक द वेस्टर्न पीपल हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई इंडिया क्या है और इंडिया क्या कर सकता है और क्या सहन शक्ति है इंडिया में। तो आखिर में मैं यही कहूंगा कि जैसे जस्टिन ट्रूडो ने एक ये इंस्टिगेट किया डिबेट और हिंदुस्तान के खिलाफ जो है धमकी दी और उनको खिलाफत की विदाउट एनी श्रेड ऑफ एविडेंस, सो नाउ द बॉल इज कम्प्लीटली इन हिज कोर्ट, क्योंकि इंडिया तो टिट फॉर टैट एक्शन करेगा। इंडिया ने वीजा बंद कर दिए हैं सबके। अभी मैं आपको बता दूं, ये वीडियो जब तक जाएगा ऑनलाइन तब तक जो ओवरसीज इंडियन कार्ड है, सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड दिए गए हैं कनाडा में खालिस्तानियों को या उनके परिवारों को, वो सब बंद कर दिए जाएंगे अगले 24 से